राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन दौरे से रूस बौखला गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसके बाद क्या किया, महत्वपूर्ण संधि जो हथियार संधि थी उसे तोड़ दिया और रूसी राष्ट्रपति के इस कदम को जो बाइडेन ने सबसे बड़ी भूल करार दिया है। तो जो महत्वपूर्ण संधि को पुतिन ने तोड़ा है उसके बारे में जो बाइडेन ने साफ साफ कहा कि ये बहुत ही बड़ी भूल है और ये नहीं करना चाहिए था पुतिन को। हालांकि पुतिन इसको लेकर साफ कह चुके हैं कि मैं इससे बाहर नहीं निकल रहा लेकिन इसे सस्पेंड जरूर कर रहा हूं। आपको ये भी आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि साल 2010 में अमेरिका और रूस में ये परमाणु संधि हुई थी। इसे क्या नाम दिया गया था, इसे न्यू स्टार्ट परमाणु संधि का नाम दिया गया था। दरअसल बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव ने इसे साइन किया था इस संधि को लेकर के। और इस संधि के तहत क्या था, संधि के तहत अटैक के लिए रेडी मिसाइलों की जो संख्या है, जो तादाद है वो तय कर दी गई थी। मतलब इसके आगे और मिसाइलों को आप अटैक के लिए तैयार नहीं कर सकते। इसका मतलब ये था कि रूस और अमेरिका के पास पूरी दुनिया के जो 90% परमाणु हथियार हैं और समझौता जो इन दोनों देशों के बीच में हुआ उसके तहत 1550 परमाणु मिसाइल तैयार स्थिति में रखने का फैसला लिया गया। इससे ज्यादा मिसाइलों को, परमाणु मिसाइलों को तैयार नहीं किया जा सकता था। 700 लंबी रेंज की मिसाइल बिल्कुल तैयार स्थिति में रख सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट पर एक साल में 18 दौरे की भी संधि में बात का जिक्र था। इसके अलावा क्योंकि 10 साल के लिए था ये, तो साल 2021 में समझौते को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था जब इसकी मियाद खत्म हो रही थी। तो अब इसी संधि से को सस्पेंड करने की बात पुतिन ने अपने संबोधन में कही, जो उसके बाद अमेरिका ये कह रहा है कि ये पुतिन की बहुत बड़ी भूल है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एयर वाइस मार्शल पी के श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सर नवभारत पर। सवाल यह है कि क्या करार का निलंबित करना न्यूक्लियर वॉर के शुरू होने का एकदम शुरुआती सिग्नल है? श्वेता, हमें समझने की जरूरत है कि क्या सचमुच में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। खबर बड़ी है लेकिन इम्पैक्ट इतना कोई बड़ा नहीं पड़ेगा। आप इससे पहले देखिए, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस की एक प्रीति थी जिसको अमेरिका ने खत्म कर दिया। इन्होंने तो सस्पेंड किया है, इन्होंने इसको खत्म नहीं किया है। तो उसमें देखिए उन्होंने क्या किया। पहले उन्होंने रशिया को तैयार किया, इसको करिए। उसका मतलब ये था कि जितने भी इंटरमीडिएट रेंज के न्यूक्लियर मिसाइल्स थे जो कि यूरोप को अटैक कर सकते थे, वो सारे के सारे डिफैंग कर दिए गए। जब वो डिफैंग हो गए तो यूरोपियन सिक्योरिटी थोड़ी सी और एस्टैब्लिश हो गई न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से, और तब अमेरिका ने खुद ही उस संधि को समाप्त कर दिया। अब ये एक रिस्पॉन्स जो क्रिमिनल का आया है, क्योंकि बाइडेन ने विजिट किया है कीव को, उससे उन्होंने एक और इसको पुश दिया है कि ये वॉर एक साल तक ही नहीं चलेगी, जितना जरूरी उतनी चलती रहेगी। इससे नेचुरली राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा। तुमको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना था जो इनटेंजिबल है और जो एक मैसेज देता है। तो मैं इसको समझता हूं कि एक मैसेजिंग के फॉर्म में तो ये जरूर है, लेकिन इसका कोई खास इम्पैक्ट किसी सामरिक दृष्टिकोण से दोनों पक्षों में नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि उन्होंने इसे सस्पेंड किया है, उन्होंने ये मौका दिया है कि आप अगर आप चाहें इस चीज को रोकना तो रोक सकते हैं। लेकिन ये कहना कि इसकी वजह से हम और न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो नहीं है। इसके अलावा और संभावनाएं हैं जिनकी वजह से हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ क्रमशः बढ़ रहे हैं, उनको आकलन करना पड़ेगा। देखिए अब रूस के पास क्या क्या आप देखिए ऑप्शंस रह गए हैं। अगर लॉन्ग रेंज वेपन्स, जो अभी बाइडेन ने कहा है हम यूक्रेन को देंगे, हम उनको लड़ाकू विमान भी देंगे, अगर ये दोनों मैदान में उतरते हैं तो इससे न्यूक्लियर का खतरा ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि इनसे क्या होता है, लॉन्ग रेंज वेपन्स का मतलब यह है कि अब जो अटैक वो रूस की धरती पर भी होगा, अगर वो शुरू होता है तब संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। तो मैं लॉन्ग रेंज वेपन्स को देने की और लाखों विमान देने को ज्यादा एक खतरे की घंटी मानूंगा, जो कि बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। अब तक जो इनके पास वेपन्स थे वो डिफेंसिव नेचर में थे। देखिए यूक्रेन की वॉर इतनी लंबी क्यों चल सकी, इसमें दो खास बातें रही। यूक्रेन के जहां तक मनोबल का सवाल है उस पर मैं कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा, लेकिन दो खास बातें रही हैं। इनको प्रिसिशन वेपन्स मिलते रहे अपने आप को डिफेंड करने के लिए, चाहे हिमार्स थे, जैवलिन थी, किसी भी एमरालिस थे, ये सारे के सारे डिफेंसिव वेपन्स इनको मिलते रहे और सटीक निशाना करने वाले टैंक्स भी मिलते रहे। लेकिन दूसरी बात ये थी कि इनको और एक जो टारगेट इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसको गैदर करने में बहुत ज्यादा समय और शक्ति लगती है, वो यूक्रेन को लगातार मिलती रही, जिससे कि वो रशियन ठिकानों पर हमेशा लगातार प्रहार करते रहे और उसने जो है वहां रशियन फोर्सेस का मनोबल
कम किया मैं मानता हूं, चाहे रशिया माने चाहे ना माने, और उनकी जो स्ट्रेटजी थी उसको डिसरप्ट किया। इन दो चीजों की वजह से ये लड़ाई चलती रही। ये दोनों चीजें अभी भी मुहैया की जा सकती हैं। लेकिन अब सवाल दर्शकों के मन में ये आता है कि आखिरकार ये लड़ाई खत्म कैसे होगी। अगर इस तरह का समर्थन यूक्रेन को मिलता रहा तो नजदीकी आने वाले कुछ महीनों में या कुछ में इस लड़ाई का अंत नहीं दिखता है। लेकिन अब जिस तरीके से इस संधि को सस्पेंड रूस की तरफ से किया गया है, उसके बाद अमेरिका और रूस में डायरेक्ट तनातनी बहुत बढ़ गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब जो बाइडेन यूक्रेन पहुंचे थे तो अमेरिकी अधिकारियों ने रूसी अधिकारियों को खबर किया था, जो रूस ने भी बताया था कि हमसे सुरक्षा मांगी थी, तो ये सुरक्षा मांगी गई थी कि उस दरमियान हमले ना किया जाए। इसका मतलब थोड़ा बहुत जो कूटनीतिक तालमेल है वो दोनों देशों के बीच में है। अब इस फैसले के बाद, पुतिन के इस फैसले के बाद, क्या ये तालमेल और बिगड़ेगा या यहां से भी कुछ सुलह की संभावनाएं आपको नजर आती हैं? देखिए, तालमेल तो पहले से ही बिगड़ा हुआ है, लेकिन जो हम कहते हैं बैकडोर चैनल्स में जो कम्युनिकेशन होता है वो तो हो ही रहा है। जबकि जब बाइडेन वहां गए थे, आपने देखा जो दृश्य आए, और जो दृश्य आए उसमें दिखाया गया पीछे सायरन्स बज रहे हैं, कोई अटैक नहीं हो रहा था। पिछले 5 दिन को उन्होंने होल फायर किया था, की पर कोई अटैक नहीं किया, और बाइडेन को वहां सुरक्षित जाने दिया और सुरक्षित आने दिया। लेकिन एक जनता के सामने जो मैसेज देने की कोशिश की आती है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म मैसेज देने की कोशिश की आती है, वो की जा रही थी कि बाइडेन इतने ज्यादा मैचो हैं, इतने ज्यादा पुरुषार्थ रह रखते हैं कि उन हमलों के बावजूद उसके बीच में जाकर के उन्होंने अपने दोस्त को एक समर्थन दिया। ये सारी चीजें बहुत मेल खाती हैं जो अमेरिका की मैचो इमेज है, या इसको बोलते हैं अमेरिकन प्राइड के साथ, वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। डोमेस्टिक ऑडियंस को ये मैसेज देना आज बहुत जरूरी हो गया बाइडेन के लिए भी, क्योंकि वो बहुत इन्फ्लेशन वहां बढ़ रहा है अमेरिका में, और वो इस वॉर को इसका समर्थन कर रहे हैं, उनको ये दिखाने के लिए कि हम ये वॉर जो लड़ रहे हैं वो मॉरली करेक्ट है। और डोमेस्टिक ऑडियंस को इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि 24 में वो खुद प्रेसिडेंसी में जाना चाहते हैं। अगर वो जाना चाहते हैं तो अब तैयारी शुरू होनी चाहिए 23 में। तो ये मेरे ख्याल से उस तरह की एक तैयारी है, ये एक तरीके का जिसे कहते हैं परसेप्शन मैनेजमेंट है। लेकिन जहां तक वॉर का सवाल है, जहां तक लड़ाई का सवाल है, लड़ाई तब गहराएगी अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मिलती है, वेपन्स मिल जाएंगे। बिल्कुल, अभी तक जो पश्चिमी देशों से मदद मिल रही है वो इस तरीके की मिल रही है, अगर सरल शब्दों में हमारे दर्शक समझ पाए, कि वो खुद का बचाव करने के लिए मिल रही है। लेकिन रूस के ऊपर अटैक करने के लिए अगर वेपन्स मिल जाएंगे, जैसा कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, तो ये जो वॉर की स्थिति है और ज्यादा गर्मा जाएगी। आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर ये कि एक तरफ बाइडेन पुतिन की लगातार आलोचना कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुतिन की घेरेबंदी का कोई मौका चूकना नहीं चाहते। महाजंग के 1 साल होने वाले हैं और जो बाइडेन ने पोलैंड दौरे पर बुखारेस्ट ग्रुप के साथ एक बड़ी बैठक की है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच जो बड़ी जानकारी है वो ये कि परमाणु करार पर पुतिन के फैसले से ये आशंकाएं और गहराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बुखारेस्ट 9 जो है वो पुतिन के फैसले के बाद एक्टिव हो गया है। बाइडेन ने बुखारेस्ट 9 के नेताओं के साथ बात भी की है, और ऐसे में बुखारेस्ट 9 क्या है, चलिए आपको वो भी बहुत और बेहतर तरीके से हम समझा देते हैं। तो देखिए, बुखारेस्ट 9 जो है वो पूर्वी यूरोप के 9 देशों का समूह है। चलिए आपको यूरोप के नक्शे पर ये दिखा देते हैं कि आखिरकार पूर्वी यूरोप के किन 9 देशों को मिलाकर बुखारेस्ट 9 बनता है। तो ये जो पूर्वी यूरोप जो है उसका देखिए एस्टोनिया, इसके अलावा आपको मैप पर अगर मैं दिखाऊं ये पूर्वी यूरोप के कौन कौन से जो देश हैं वो इस बुखारेस्ट 9 का हिस्सा है, ये भी आपको यहाँ समझना होगा कि तमाम जो 9 देश है ना ये नेटो का भी हिस्सा है। तो इसमें एस्टोनिया है, इसके बाद इसमें हंगरी है, इसके बाद देखिए इसमें लातविया है, ये तमाम जो पूर्वी यूरोप है ना वो कंट्रीज हैं। लिथुआनिया भी इसमें शामिल है, कौन से वो 9 देश हैं। इसके अलावा पोलैंड, जिसका बॉर्डर लगातार एकदम सीधे से यूक्रेन से जुड़ता है, वो भी है। इसके अलावा लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, हंगरी के अलावा रोमानिया है, और साथ ही साथ स्लोवाकिया भी इस बुखारेस्ट 9 में है, और इसके साथ ही कौन सा देश है वो है बुल्गारिया। तो ये जो पूर्वी यूरोप का पूरा जो हिस्सा है, सबसे पूर्वी यूरोप का, वो सभी जो है 9 देश जो कि नेटो का भी हिस्सा है वो बुखारेस्ट 9 का भी हिस्सा है। तो चलिए, आपको बुखारेस्ट 9 के बारे में अगर और विस्तार से बताएं तो ये कैसे वजूद में आया और इसके टारगेट पर रूस क्यों है। तो बुखारेस्ट जो 9 है, जैसा कि मैं आपको बता रहे, इसके बारे में और बेहतर तरीके से अगर आप समझें तो इसको ऐसे समझिए कि नेटो गठबंधन के सबसे पूर्वी हिस्से के जो 9 देशों का ग्रुप है, जो कि मैप पे भी हमने आपको दिखाया, ये वो बुखारेस्ट 9 के हिस्सा है। पूर्वी यूरोप में आते हैं ये सभी 9 देश, जैसा मैप पे हमने आपको दिखाया भी। इसके अलावा 2014 में एक साथ आए थे ये 9 देश, 2014 जब आपको याद होगा क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद ये ग्रुप वजूद में आया था, जब रूस ने इसी तरीके से अटैक किया था, क्रीमिया को खुद में मिला लिया था। ग्रुप का एक और जो नाम है वो है B9, यानी बुखारेस्ट 9। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से ये नाम लिया गया। पहले ये जो सभी 9 देश हैं वो
दरअसल ईयू और नेटो का हिस्सा हुआ करते थे, अभी भी नेटो का हिस्सा है। यूक्रेन युद्ध खिंचने से बुखारेस्ट 9 देशों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं। यूक्रेन जीतने के बाद पुतिन बुखारेस्ट को क्योंकि टारगेट कर सकते हैं, ऐसे में इन सब का जो स्ट्रेस है वो बढ़ गया है। तो